जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी मुफ्ती नूर वली महसूद को बैन करने पर। क्यों बैन किया गया, किस आधार पर बैन किया गया, इस पर कौन है मुफ्ती नूर वली महसूद, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी यानी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति ने अपनी ISIL यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट और अलकायदा प्रतिबंध सूची में महसूद का नाम जोड़ा है। इसके तहत महसूद की संपत्ति अब फ्रीज करने के साथ ही उस पर यात्रा और हथियारों के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, ISIL क्या है? ISIS तो आप लोगों ने सुना होगा, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया। ISIL देख लेते हैं, यहाँ पे लेवेंट जानना जरूरी है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट एक नैरो हिस्ट्री के बारे में बताता है। लेवेंट उस रीजन को कहा जाता है जिसमें सीरिया, लेबनान, इसराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन और साइप्रस, ये सारे क्षेत्र शामिल हैं, उसको लेवेंट के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री से संबंधित है, कभी इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्रतिबंध समिति ने कहा कि नूर वली महसूद को अलकायदा से संबंधित समूहों का समर्थन करने और उनकी आतंकी गतिविधियों का वित्त पोषण करने, योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के कारण इस सूची में डाला गया। तो क्यों डाला गया है? अलकायदा से संबंधित समूहों का समर्थन किया उन्होंने, उनकी आतंकवादी गतिविधियों को फाइनेंस किया, वित्त पोषित किया और योजना बनाया कई सारे अंजाम देने के लिए कार्यों को, और उनके अंजाम भी दिया। इन सारे कारणों की वजह से इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। नूरुली महसूद, जो यहाँ पर इनकी पिक दी गई है, एक फोटोग्राफिक इमेज, नूरुली महसूद जून 2018 में तारीख तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख मौलाना फजलुल्ला की मौत के बाद इस आतंकी संगठन का प्रमुख बना था। संयुक्त राष्ट्र ने इस संगठन को अलकायदा से संबंध रखने के लिए 29 जुलाई 2011 को ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। मुफ्ती नूर वली महसूद आतंकवादी संगठन अलकायदा का समर्थक है और उसका अलकायदा से ताल्लुक है। वह अलकायदा के सहयोगी के रूप में पाकिस्तान में सक्रिय है। महसूद आतंकवादी संगठनों के संयोजन, वित्त पोषण और उसकी आतंकी गतिविधियों की योजना में शामिल रहा है। महसूद संगठन को बनाने और उसको अंजाम देने में शामिल रहा है। उसका संगठन पाकिस्तान में सक्रिय है अभी भी। पाकिस्तान तालिबान को कई आत्मघाती बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके कारण सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई। यह संगठन कई आत्मघाती विस्फोटों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इस पर सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की हत्या का आरोप है। TTP पाकिस्तान में कई घातक आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है। TTP की नेता जो नूरवली है, जिसे मुफ्ती नूरवली महसूद के नाम से भी जाना जाता है, उसे जून 2018 में पूर्व TTP नेता मुल्ला फजलुल्ला की मृत्यु के बाद TTP का नेता नामित किया गया। यह पाकिस्तान के लिए एक और झटका है, जिसे बार बार विश्व समुदाय द्वारा आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के लिए कहा जाता है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने जैसे मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी के रूप में नामित किया था। अमेरिका ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है? तो अमेरिका की जो ट्रंप प्रशासन है, उसने संयुक्त राष्ट्र के इस कदम का स्वागत किया है। संयुक्त राज्य ने पिछले साल सितंबर में महसूद को आतंकवादी के रूप में नामित किया था। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार नूर वली के नेतृत्व में TTP ने पाकिस्तान भर में कई घातक आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।